नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, लेखक, बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज जिस हस्ती की मैं बात करने जा रहा हूं उसका मेरे जीवन से कनेक्शन यूं है कि मैंने अपने जीवन का पहला बड़ा लेक्चर उनके साथ किया था आज से सालों पहले चेन्नई में, और उनसे मेरा दूसरा रिश्ता ये है कि उनकी मृत्यु मेरे अपने गृह नगर में हुई जहां मेरा जन्म हुआ। मृत्यु हुई कि हत्या हुई? यदि आप YouTube ढूंढेंगे, यदि आप इंटरनेट ढूंढेंगे तो सैकड़ों कॉन्स्पिरेसी की थ्योरीज मिलेगी। यदि मैं आज तक का उज्जवल पाटनी YouTube चैनल का रिकॉर्ड निकालूं और देखूं कि किस इंडियन पर्सनालिटी पे सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट मिली है वीडियो बनाने की, तो वो नाम सिर्फ एक है, राजीव दीक्षित और राजीव दीक्षित। आजादी बचाओ आंदोलन के प्रणेता, भारत स्वाभिमान आंदोलन के प्रणेता, हेल्थ के विशारद, MNCs के खिलाफ आग उगलने वाले योद्धा, सरकार को यूं हिला कर रख देने वाले, सिस्टम को हिला कर रख देने वाले प्रहरी। हमारे देश में ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, ये पार्टियां नहीं है, डाकुओं के गिरोह हैं ये। पॉलिटिक्स की गहरी समझ, वो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की गहरी समझ रखने वाले विशेषज्ञ। एक साल में 27 करोड़ खर्च करे राष्ट्रपति, और यहाँ एक आदमी को एक दिन में खर्च करने को 20 रुपए ना मिले, राष्ट्रपति को एक दिन में खर्च करने को 7.5 लाख रुपए मिले, ये कौन सा देश चला रहे हैं हम? किस उपमा से नवाजे हम राजीव दीक्षित को? क्योंकि जितनी भी उपमाएं होंगी इस व्यक्ति के लिए कम हो जाएगी। इस व्यक्ति के जीवन पर आगे बात करें उसके पहले एक क्षण के लिए इनका एजुकेशन जानना जरूरी है। यूपी में नोआ नाम के विलेज में इनका जन्म हुआ, उसके बाद इन्होंने फिरोजाबाद में अपना पूरा स्कूली एजुकेशन अपने पिता के गाइडेंस में किया। फिर ये अलाहाबाद चले गए, अलाहाबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने बीटेक किया, उसके बाद इन्होंने IIT कानपुर से MTech किया, उसके बाद इन्होंने फ्रांस से PhD किया। PhD, प्रश्न ये है, इतना एजुकेशन करने के बाद आदमी को एक बड़ा साइंटिस्ट बनके शानदार लाखों डॉलर की सैलरी लेके दुनिया के किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में वक्त बिताना चाहिए, रोज शाम को कॉकटेल पार्टीज करनी चाहिए, बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ियों में घूमना चाहिए, आलीशान बंगले बनाना चाहिए और प्लेनों में बिजनेस क्लास में घूमना चाहिए, हाई फाई लाइफ होनी चाहिए। लेकिन ये तो योगी थे, मॉडर्न योगी, और ये अपना एक कुर्ता, नीचे एक जीन्स या पायजामा और साइड में एक झोला निकल के एक मॉडर्न महात्मा की तरह निकल पड़ते, और निकल क्या पड़ते, जिस जगह ये खड़े होते उस जगह ओपन हॉल या ऑडिटोरियम बन जाता और बड़े बड़े लोगों की तुलना में ज्यादा भीड़ इनके लिए जुड़ जाती। ये जब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, VAT, WTO जैसी चीजों की बात करते तो ऐसा लगता कि वर्ल्ड का कोई बड़ा इकोनॉमिस्ट बोल रहा हो। और मजे की बात ये, इनसे अक्सर बहस करने का साहस कोई नहीं करता था, और इतने सिंपल, हम्बल, एकदम हम्बल व्यक्ति, एकदम नियमित जीवन शैली, कभी बीमार नहीं पड़ना, कभी कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं खाना, कहीं रुतबा नहीं दिखाना, कहीं VIP स्टेटस नहीं मांगना। तो साथियों, प्रश्न ये उठता है कि राजीव दीक्षित ने ऐसा क्या किया कि उनकी मृत्यु के बाद इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई? राजीव दीक्षित ने मल्टीनेशनल्स को हिला दिया इंडिया से, ऐसा हिला दिया कि उनको समझ ही नहीं आया कि क्या करें। साइंटिस्ट सुनीता नारायण के साथ मिलके जाने कितनी ऐसी चीज प्रूव कर दी जिसका जवाब देना इनके लिए मुश्किल हो गया, और यहां तक कहते हैं इनकी वजह से इंडिया में कोल्ड ड्रिंक्स की सेल में भयंकर गिरावट आई, यहां तक कि इन्होंने कोल्ड ड्रिंक को टॉयलेट क्लीनर और पेस्टिसाइड का दर्जा दे दिया। और ऐसे व्यक्ति से कोई परेशान क्यों नहीं हो जो कंपनी के पीछे हाथ धो के पड़ जावे और लाखों करोड़ों की जनता उसके पीछे चले। इन्होंने कुछ लोगों के लिए विख्यात तो कुछ लोगों के लिए कुख्यात एनरॉन कंपनी पर महाराष्ट्र में कोर्ट में केस जीता, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी फेवरेबल जजमेंट लिया। अक्सर लोग यूट्यूब चैनल पर मुझसे कहते थे, पाटनी सर दम है तो राजीव दीक्षित पे वीडियो बनाकर दिखाओ, दम है तो उसकी फिलॉसफी का प्रचार करो, क्योंकि कोई यूट्यूबर हिंदुस्तान का राजीव दीक्षित पे और उनकी फिलॉसफीज पे इन डेप्थ वीडियो नहीं बना रहा है, सबको डर। राजीव दीक्षित का पहला कथन था एडॉप्ट आयुर्वेदा। वो कहते थे भारतीय चिकित्सा शास्त्र इतना धनी है, हमारे अपने खेत में, हमारे अपने आंगन में इतने किस्म की जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे उगते हैं जिनसे इंसान का पूरा शरीर ठीक होना तो छोड़िए,
ठीक होना तो क्योर में चला गया। इंसान के शरीर में कोई बीमारी ना हो, इतना प्रिवेंशन किया जा सकता है। और उसी सिद्धांत की बदौलत 20 साल तक राजीव दीक्षित को एक दिन बुखार भी नहीं हुआ। वो कहते थे एलोपैथिक कंपनीज अपने फायदे के लिए बीमारियों का भी निर्माण कर रही है, उनका भय पैदा कर रही है, उसके बाद वो आपको इलाज बेच रही है, और जो इलाज चंद पैसों में होना चाहिए उसको वो बहुत महंगे में बेच रही है, और जो इलाज वो बेच रही है उस इलाज से फिर नई बीमारियां पैदा हो जाती है, और फिर अगली बीमारी का भी इलाज वही बेचते हैं। उनका मानना था हर एलोपैथी दवा जो किसी बीमारी को दबाती है वो 10 बीमारी को और जन्म देती है। उनका कहना था पूरी एलोपैथी क्योर पर आधारित है, पूरा भारतीय चिकित्सा विज्ञान प्रिवेंशन पर आधारित है। यदि हम भारतीय चिकित्सा विज्ञान पर चलते रहेंगे तो एलोपैथी 1 रुपया की दवा हिंदुस्तान में नहीं बिकेगी, और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में से एक देश को एलोपैथिक कंपनियां खोना नहीं चाहती। उन्होंने सारा जीवन का अडॉप्ट आयुर्वेदा, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, और मजे की बात वो सारा देश घूम घूम के दवाइयां देते थे। जहां उनके भाषण होते थे बाहर भी दवाइयों का एक स्टॉल लगा रहता था, जहां पर कभी कभी लागत से भी कम मूल्य पे और कभी कभी तो फ्री में दवाइयां मिलती थी। राजीव दीक्षित का दूसरा सबसे बड़ा नारा जिससे सारी दुनिया हिल गई, यूज स्वदेशी, स्वदेशी आंदोलन, भारत बचाओ आंदोलन, स्वाभिमान आंदोलन, ये जितने आंदोलन थे ये एक चीज पे फोकस करते थे। इंडियन खाओ, इंडियन पहनो, ये मानते थे इंडिया में हर गांव एक देश है, हर शहर एक राष्ट्र है, हर घर अपने आप में एक देश है, क्योंकि इंडिया का घर ऐसा घर होता है जहां पर एक महिला चरखे पे सूत कात के अपना कपड़ा बुन सकती, जहां पर उसी के खेत में फसल बो के उस फसल को वो साल भर खा सकता है, जहां पर वो 4 गाय पालता है और 4 गाय के दूध दही घी पनीर से वो अपने आप को हेल्दी रख सकता है। उनका कहना था वेस्टर्न लोग कभी इंडिया का मुकाबला कर ही नहीं सकते क्योंकि वो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग पे आधारित है। वो अपनी मिट्टी का लेप कर सकता है पूरी बॉडी में, और मिट्टी का लेप करके आज फॉरेन कंट्रीज में मड बाथ के नाम पे जो सैकड़ों डॉलर में ट्रीटमेंट दिया जाता है वो हमारा इंडियन मड बाथ अपने खेत की मिट्टी से ले सकता है। हमारा इंडियन सुबह 5 बजे उठकर अपने खेत में अपनी बैलगाड़ी में अपने बैल को जोत के अपने खेत में हल चला सकता है, और शाम तक वो इतना थक जाएगा कि उसको किसी स्लीपिंग टेबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए इंडियन हिस्ट्री में पहले डिप्रेशन, अनिद्रा, ये सब बीमारियां देखी नहीं गई। उनका कहना था कि धीरे धीरे करके वेस्टर्न इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमीज को वेस्टर्नाइज करने का कुचक्र रच रही है, ताकि इंडियन सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का जो मॉडल है इस सिद्धांत से बाहर निकल के वो हम पर आश्रित हो जाए। इस कुचक्र के खिलाफ राजीव दीक्षित ने आंदोलन छेड़ा। राजीव दीक्षित ने कहा यूज साइंस वाइसली, डोंट फॉलो वेस्टर्न कल्चर ब्लाइंडली। राजीव दीक्षित के अनुसार साइंस लोकल रिक्वायरमेंट से जन्म लेता है। उनका कहना था पहनावा, वेस्टर्न कंट्रीज में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, आधे से ज्यादा जगहों पर, इसलिए उनके पहनावे में सूट है। इंडिया में आधे से ज्यादा जगह पर गर्मी पड़ती है, इसके लिए हमारे पहनावे में पतले पतले कॉटन के कुर्ते हैं, धोतियां हैं, पैजामे हैं, जिससे अंदर बाहर आराम से हवा जा सके। उनका सोचना था इंडिया को टीवी वीवी जैसी टेक्नोलॉजीज की जरूरत ही नहीं। टीवी तो इंसान को मंद बुद्धि बनाता है, टीवी तो इंसान को बाहरी दुनिया से काटता है। आप सिर्फ टीवी देखते रहते हैं, उस समय ना आप कोई फिजिकल श्रम करते हैं, ना किसी और से बात करते हैं। उसके विपरीत इंडिया में कल्चर क्या था, गुरुओं के साथ बैठ के स्पिरिचुअलिटी सीखना, परिवार के साथ बैठ के ज्वाइंट फैमिली का मजा लेना, रात को कोई दादा की सेवा कर रहा है, कोई दादी की सेवा कर रहा है, कोई बच्चों को बाहर घुमाने ले जा रहा है। ये इंडिया ऐसा था जिसमें स्वस्थ रहने के पूरे इंटरनल जुगाड़ थे। राजीव दीक्षित का मानना था ब्लाइंडली वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करके ये टीवी के माध्यम से धीरे 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 ये हमारे रडार में, हमारी मेंटालिटी में, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में ऐसी चीज़ों की जरूरत पैदा कर देंगे जो हमारे देश के लिए अनुकूल नहीं। साइंस के नाम पर
ये हम लोगों को धीरे धीरे अपाहिज बना देंगे। राजीव दीक्षित का मानना था उतना ही साइंस यूज कीजिए जितना आपके लोकल इकोसिस्टम को आवश्यकता हो। दुनिया के हर कोने को एक दूसरे के साइंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। राजीव दीक्षित के शिक्षा पे भी क्रांतिकारी विचार थे। उनका यह मानना था इंडिया में एक गुरुकुल परंपरा होती थी जिसमें कुछ समय के लिए घर वाले अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे, यहां तक कि राजा महाराजा भी भेजते थे। वहां गुरुकुल में गुरु की सेवा से लेके जानवरों की सेवा से लेके युद्ध कला से लेके स्पिरिचुअलिटी ज्ञान से लेके फिजिकल एक्सरसाइज से लेके हर चीज गुरुकुल में सिखा दिया जाता था। इंडिया व्यापारियों का देश था, नौकरी पेशा लोगों का देश नहीं था। इंडिया बिजनेस ओनर्स का देश था, इंडिया एंटरप्रेन्योर्स का देश था। आज हमारे घरों के बच्चे सेफ जॉब करना चाहते हैं, एक बड़ा पैकेज लेके चुपचाप बैठना चाहते हैं और फ्राइडे सैटरडे संडे को पार्टी करना चाहते हैं, 5 दिन का वर्क कल्चर चाहते हैं। ये इंडिया नहीं था। क्या ऐसा बवाल करने वाले व्यक्ति को मारना नहीं चाहेंगे? तो साथियों, राजीव दीक्षित को क्या कहेंगे आप? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहेंगे आप? उनको समाज सुधारक कहेंगे आप? उसको देश प्रेमी कहेंगे आप? उसको मॉडर्न योगी कहेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतनी यंग एज में इतना सारा लिटरेचर लिखने वाला, बिना किसी भय के बड़ी से बड़ी कंपनी के खिलाफ ताल ठोक देने वाला, अकेले योद्धा की तरह निकल पड़ने वाला, टोटली समाज में विश्वास रखने वाला, टोटली सेवा में विश्वास रखने वाला, कभी एक चिकित्सक की तरह निशुल्क दवाइयां देने वाला, कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरह आह्वान करने वाला, कभी वैज्ञानिक की तरह विश्व भर की लाइब्रेरीज में घूम घूम के रिसर्च मटेरियल निकाल के कंपनीज में केस करने वाला, एक जीवन में 50 जीवन जीने वाले व्यक्ति का नाम है राजीव दीक्षित। और मैं इंटरनेट में उठ रहे उन सैकड़ों प्रश्नों से सहमत हूं, क्यों मीडिया ने राजीव दीक्षित की डेथ को हाईलाइट नहीं किया? क्यों मीडिया ने राजीव दीक्षित पर कवर स्टोरीज नहीं चलाई? क्यों किसी ने उनके विचारों पे कड़ी प्रकाशित नहीं की? शायद इसलिए क्योंकि बहुत सारी एमएनसी से जो विज्ञापन आते हैं वो विज्ञापन बंद हो जाएंगे। इसलिए राजीव दीक्षित की मृत्यु जिन संदेहास्पद हालातों में हुई, मैं कोई गुप्तचर नहीं हूं, मैं कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हूं जो कमेंट कर सकूं, मैं इंटरनेट की बातें कह रहा हूं जो वाइडली पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। राजीव दीक्षित की मृत्यु जिन संदेहास्पद हालातों में हुई, वैसे ही हालात उनको मीडिया में प्रॉपर कवरेज न मिलने का भी कारण थे। मैं देश भर में राजीव दीक्षित के प्रशंसकों से आज यहां अपील करता हूं, राजीव दीक्षित को जिंदा रखिए। साल में अनेक बार राजीव दीक्षित के विचारों पर आधारित अनेक पब्लिकेशन करवाइए, कहीं ना कहीं कोई राजीव दीक्षित संग्रहालय बनाइए जिससे राजीव दीक्षित के विचार जिंदा रहें और आने वाली नई पीढ़ियां जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके सिर्फ सेफ जॉब का सपना देखती है वो इससे प्रेरणा लें और ये सोचें हमें भी अपने देश के लिए करना है। मेरी टीम में 2 ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने राजीव दीक्षित के साथ दिल्ली में लंबा वक्त बिताया है और मेरे सबसे खास दोस्तों में से एक के घर में राजीव दीक्षित ने बहुत लंबा वक्त बिताया है। राजीव दीक्षित के विचारों का पालन किया जाए, उनके विचारों का सम्मान किया जाए, उनके विचारों को जिंदा रखा जाए और ब्लाइंड वेस्टर्न कल्चर से बाहर निकल के हम भारतीयता का सम्मान करना शुरू करें। इंडियन बोलने पे हमको शर्म नहीं आनी चाहिए, इंडियन बोलने पे हमको गर्व होना चाहिए, गर्व। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।